नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले दो दिनों के अंदर आप हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों यश में आप दुश्मन के चक्रव्यूह में बहुत ही बुरी तरह फंसने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले दो दिनों का समय आप सभी के लिए जो ग्रहों की तिथि है, यूँ तो आपके लिए लाभकारी मौके लेकर आने वाले हैं। लाभ के कई सारे ऐसे रास्ते आप सभी के जीवन काल में खोल देंगे, जहाँ पर दोस्तों अगर आप चल गए तो आप काफ़ी ऊंचाइयों तक चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपके गुप्त शत्रु काल बनकर आपके ऊपर घूम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में सावधान रहने की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा और इन्हें अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले दो दिनों का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय है। ऐसे में आपको लाभ के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी प्राप्त होने वाली है, जिसे दोस्तों समाज में भी आपका मान सम्मान बनेगा, घर परिवार में इसे खुशियों का माहौल आएगा। और दोस्तों जो भी आपके इच्छाएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, वे भी अगले दो दिनों में पूरे होने वाले हैं। बस आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप आज की इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों हम यह चीज़ दावे के साथ कहते हैं कि आपके जीवनकाल में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। और जीवनकाल में आप जिनकी भी चाहत रख रहे हैं, जो भी चीज़ आपके सपने हैं, वे सभी सपने आपके पूरे हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि अगले दो दिनों के अंदर ग्रहों की ही कुछ ऐसी स्थिति बनी है कि आप सभी का बिगड़ी किस्मत भी चमक जाएगी। आप सभी का भाग बिल्कुल ही दुगनी तेजी में यश में आगे बढ़ने वाले हैं। जो भी आपके कार्य क्षेत्र में कार्य रुके हैं, वे सारे कार्य बनने वाले हैं। बस दोस्तों अगले दो दिनों के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी दोस्तों, एक साथ तो दो मुसीबत का आपको सामना भी करना पड़ेगा और दोस्तों उस समय में आपको समस्याएं हो सकती है, लेकिन दोस्तों यश में अगर आप गलत निर्णय लेंगे तो दोस्तों आगे चलकर समस्याओं का सामना आपको करना पड़ जाएगा। जी दोस्तों, इसलिए यश में आप सही निर्णय के चलेंगे, कौन सा आपको कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, ताकि आप दुविधाओं के बीच में सही सलामत बाहर आ जाएं और जो भी समस्या आपके जीवनकाल में है दोस्तों उनका आप सामना करके उनसे बाहर आ जाएं। जी दोस्तों, इसलिए आपको यश में कौन सा कार्य करना है, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सारी बात बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इन सभी बातों को आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में जो भी समस्या आपके जीवनकाल में आने वाले हैं, उससे भी आप आसानी से बच जाएंगे। बस कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा, कुछ गलत ही आपको जीवनकाल में अब नहीं करने होंगे। जी दोस्तों, यश में मुसीबतों से आप बच जाएंगे। और दोस्तों आप कौन से क्षेत्र में आपको अधिक तरक्की यश में मिलने वाला है, कौन से क्षेत्र में आपको कौन से चमत्कार देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ दोस्तों उसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी से बस यही विनती है कि आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। शादी दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़े लाखों लोग इस चैनल पर जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों समय समय पर आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलेंगी, सभी राशि फल मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, दोस्तों आपके लंबे समय से आपके जीवनकाल में समस्या चली आ रही है, मुसीबतें चली आ रही है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि आपके जीवनकाल में कई सालों से ये मुसीबत है जो कि आपकी पीछा नहीं छोड़ रही है, एक से बढ़कर एक समस्याएं आपके साथ लगातार बनी रहती है। दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे, अगर आप अपने पिछले जीवनकाल को एक बार गौर से झांकेंगे तो दोस्तों आप उनमें देख पाएंगे कि पिछले समय आपके जीवनकाल में उतनी तकलीफें नहीं थी, इतने समस्याएं नहीं थी, आप एक अच्छे जीवनकाल को जी रहे थे, जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, आप अच्छी कमाई कर रहे थे, घर परिवार में सभी लोग किसी तरह खुश थे। जी दोस्तों, और दोस्तों अभी ऐसा हो गया है कि दोस्तों आपके जीवनकाल में मानो खुशियां रूठ सी गई है, एक नए नए शत्रु बनते जा रहे हैं। आप जहां भी कार्य कर रहे हैं वहां पर आपको नुकसान देखने को मिल रहा है।
दोस्तों आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत से आप कभी पीछे नहीं हटते हैं। जी दोस्तों, आप चाहते हैं कि मेहनत से हम अपने जीवन काल की सारी खुशियाँ को पा सकते हैं। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ आपके हाथों कुछ ऐसी गलती होती है, कुछ ऐसे अनजान से चूक हो जाती है जिनके कारण दोस्तों आपको समस्याएं घेर लेती है और दोस्तों फिर आप उन्हीं समस्याओं में फंसकर अपने सारी जो भी उपयोगी चीज है, एक प्रकार से कहें जीवन काल के सुख सुविधाएं की वस्तु, अपने जीवन काल में आप जिस चीज को पाने की चाह रखते थे दोस्तों, उन सारे कार्यों से आप धीरे धीरे पीछे हटते चले जाते हैं और मुसीबत आपके जीवन काल में इस प्रकार आ जाता है जिसे दोस्तों आपको लगता है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अब आपको अपने जीवन काल में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कि दोस्तों समय के साथ ग्रहों की स्थिति बदलती है, समय के साथ व्यक्ति का जीवन यापन भी बदलता है। और दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखें कि समय के साथ आपके ग्रहों की स्थिति बदली है तो दोस्तों अब आपको वह गलती नहीं दोहरानी है जो आपने पिछले समय दोहराई है। दोस्तों आपने कौन सी गलतियाँ की है उसके बारे में बात करेंगे और अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अब आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि दोस्तों फिर से आपके जीवन काल में कोई समस्याएं ना आए और ना ही आपके जीवन काल में कोई ऐसी मुसीबत आए जिनसे आपको अपने कार्यभार छोड़ना पड़े, जिनसे आप तंग हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यान और बिल्कुल ही मन लगाकर ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना फल आपको नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग मिट्टी भी छूता तो सोना बनता है, लेकिन आप सोना भी छू देते हैं तो दोस्तों वह मिट्टी बन जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, जिससे आपको लगता है कि भगवान आपसे ही बहुत ही नाराज हो गया है। जी दोस्तों, हर जगह आपके जीवन काल में हर वक्त आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें आपको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, उनमें आपको असफलताएं हाथ लग रही है। आप एक समस्या को समाप्त कर पाते हैं तो दोस्तों दूसरा समस्या आपके सामने खड़ा हो जाता है। आप बहुत ही मुश्किल से धन संचय नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों पेशे आपके पास टिकते नहीं हैं, पेशे इधर से आते हैं तो दोस्तों पेशा उधर चला जाता है और बहुत ही मुश्किल से मेहनत से थोड़ी बहुत धन अगर आप संचय कर लेते हैं, धन कमा लेते हैं तो दोस्तों वह पेशा भी आपके पास नहीं रह पाता है, वह पेशा भी किसी समस्याओं में विघ्न बाधाए में खर्च हो जाता है। व्यर्थ में भी वह पेशा आपके खर्च हो जाते हैं जो कि आपके लिए जरूरत नहीं थी, उनमें भी आपका पेशा चला जाता है। लेकिन दोस्तों आज के बाद इन समस्याओं को आप समाप्त कर पाएंगे और यह समस्याएं आपके जीवन काल में अब समाप्त होने भी वाले हैं और आप इन्हें अपने आंखों से भी देख पाएंगे। और दोस्तों जिंदगी में आपके यहाँ से जो है प्रबल मौके मिलने की संभावनाएं बढ़ने वाली है। दोस्तों हम जानते हैं कि आपके जीवन काल में अभी रोजगार कारोबार व्यापार में लगातार बहुत ही बड़े बड़े अड़चने आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों अब जो भी कोई नए कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कल परसों से शुरुआत करेंगे तो दोस्तों जिसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं उसके पहले ही कोई न कोई ऐसी मुसीबत आपके सामने खड़ी हो जाती है। और दोस्तों आप जो भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनमें आपको जो है बाधा मिल जाती है। जी दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, इनमें निराश नहीं होना है। जी दोस्तों, निराश होने से लोग अपने किस्मत का रोना रोते हैं कि हमारे किस्मत में यह चीज़ नहीं थी। दोस्तों यश में आपको क्या करना है, अपने गलतियों को देखना है कि आखिर आपने कौन सी गलती की है ताकि आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है, ये समस्या आपके सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐ दोस्तों हम आप सभी को बताते हैं कि आपके जीवन काल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको उंगली पकड़ कर चलना कभी कभी सिखाते हैं और वही लोग आपको आत्मसम्मान को ठेस भी पहुँचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें, आप भूल जाते हैं कि ये लोग हमारे अपने हैं। लगे दोस्तों इन बातों को आप याद रखें, जो भी आपके जीवन काल में ऐसा व्यक्ति है जो मुंह पर आपके अच्छे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वे आपके लिए बहुत सारे गलत षड्यंत्र रचते हैं, आपके ही कार्यों को भंग करने की वे हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया ऐसे तांत्रिक क्रिया भी करते हैं। जी दोस्तों, जिनसे आप तकलीफ में जाएं और आप जाते भी हैं तकलीफ में, आपको बहुत सारी समस्याएं होती है, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जो समस्याएं चली आ रही है आपके जीवन काल में इसे समाप्त करना होगा, या इसमें आपको रोजगार में भी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है।
कि दोस्तों घरों की स्थिति बदल रही है, रोजगार कारोबार में अड़चने आ रही थी, दोस्तों उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यश में आपको फोन कॉल से कोई बड़ा ऐसी खुशखबरी मिल सकती है, ऐसी कोई आपको जो है सूचना मिल सकती है जो कि आपको मन को प्रसन्न कर दे। अगर विदेशी आक्रमण से जुड़े हैं तो दोस्तों विदेशी यात्रा के और दोस्तों ये जो यात्रा है वह सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए आप जाएंगे दोस्तों वो कार्य आपका संपन्न होगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचेगा, जलन की भावना वह अपने मन में रखेगा, आपको कहेगा नहीं। क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवनकाल में जो भी कुछ हासिल किए हैं वह आपने दिन रात मेहनत करके हासिल किए हैं। आपको विरासत में कोई ऐसा धन प्राप्त नहीं हुआ है जिनसे अपने जीवनकाल को अच्छी तरीके से व्यतीत कर सके। आपने दिन रात मेहनत करके जो भी सारे धन को अर्जित किए हैं दोस्तों यही तरक्की देखकर आपके कुछ अपने ही लोग आपके शत्रु बन रहे हैं और शत्रु बनकर बैठे भी हैं। आपसे जलन की भावना वो रखते हैं और दोस्तों आपसे यही विनती करेंगे कि जो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके मुंह पर अच्छे बोल रहे हैं और पीठ पीछे आपके लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, दोस्तों ऐसे लोगों से आप मुंह पर अच्छे मत बोलिए दोस्तों, बिल्कुल ही रिश्ता उन लोगों से खत्म कर दीजिए। क्यों दोस्तों वो जो लोग हैं वो अंदर ही अंदर आपके लिए नए नए भावनाएं पैदा करते हैं, अंदर ही अंदर आपके लिए कुछ ऐसे षड्यंत्र रखते हैं ताकि आपके आने वाले आगे की जो भी कार्य हैं उनमें विघ्न आ जाए। तो दोस्तों इनसे संभालना आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप मुंह पर तो किसी के कह नहीं सकते लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये आपके लिए कमजोरी का समय हो जाएगा। अगर आप मुंह पर नहीं कहते कोई बात नहीं है दोस्तों, आप अपने दिल से उन लोगों को मिटाकर हटा दीजिए और अपने जीवनकाल में अपने कार्यों में आप व्यस्त रहिए। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ऐसे में आप इन बातों का ध्यान रखें कि पिछले समय में जो भी आपके साथ गलत हुआ है उन सभी से आपको छुटकारा मिलेगा। यश में आपको अपने जीवनकाल में धन लाभ होगा और जो भी समस्या है उन सभी से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। यश में जहाँ पर विदेशी कारगार के बाद है दोस्तों, यश में आपके जो भी कार्य है वो सफल होने वाले हैं। बस यश में आपको अपने वाणी पर संयम बनाकर रखना है और दोस्तों यश में आप जो भी बोलेंगे सोच समझ कर बोले। जी दोस्तों, नए कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं, नए किसी भी जीवन काल में आप जा रहे हैं तो दोस्तों वर्ष में अपने शब्दों पर आपको चयन करना होगा, शब्दों को सोच समझ कर ही बोलना होगा, किसी अभद्र शब्द का आपको प्रयोग कहीं पर भी नहीं करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों यश में अपने बड़े बुजुर्गों का आपको सम्मान भी करना है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों इससे होता क्या, इससे गुरु ग्रह जो है मजबूत होता है, साथ ही साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और दोस्तों गुरु शनि ग्रह आपसे प्रसन्न होते हैं तो जो भी आपके जीवन काल में गलत धारणाएं होती है, जो भी विपरीत दिशाएं पैदा होती है, जो भी शत्रु आपको परेशान करने लगते हैं दोस्तों इन सभी से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और ध्यान रखें कि यश में अगर आपके जीवनकाल में कोई ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति है जो कि आपसे सहारा मांग रहे हो या फिर सहारा के लायक हो, दोस्तों आप जितना कर सकते हैं, जितना आपके मन से, आपके दिल से, आपके हृदय से हो सकता है दोस्तों उतना आप उनको सहयोग कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक छोटा सा सहयोग आपके जीवनकाल में आपके ग्रहों की स्थिति को बहुत सुधार देगा, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में कोई भी अगर आपको परेशान करना चाहता है तो दोस्तों आप उनकी बातों में बिल्कुल भी मत लगिएगा। दोस्तों बहकाव में आकर आप हमेशा गड़बड़ कार्य को कर देते हैं। यश में आपको अपने जो है कार्यों पर सावधानी रखनी होगी, गलत संगत पर आपको सावधानी रखनी होगी, गलत लोगों के साथ आपको नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, यश में लोग आपको परेशान करना चाहेंगे, आपको नुकसान करना चाहेंगे, षड्यंत्र वो लोग रचेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको तरक्की मिलने वाली है और दोस्तों यश में अगर आप संभल गए तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे इंसान बन जाएंगे, वरना दोस्तों अगर आप इन बहकावे वाले लोगों के साथ लगेंगे तो दोस्तों ये आपको बदनाम करने की भी साजिश रच सकते हैं, आपके कार्यों को भी बदनाम करवा सकते हैं, आपके इज्जत प्रतिष्ठा को भी मिटा सकते हैं। तो दोस्तों आप इनकी चालाकी से बचिएगा। कुछ ऐसे अपने ही लोग हैं जो दोस्त बनकर, जो अपने बनकर आपके लिए शत्रुता कर रहे हैं, आपके लिए मुसीबतें खड़ी करने की जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको बस बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर यश में आप अपने इन सभी चीजों से जो है बच जाएंगे या फिर इन लोगों से दूर हो जाएंगे तो दोस्तों आपके जीवनकाल में कोई मुसीबत नहीं आएगी और जो सफलताएं आपके जीवनकाल में मिलने वाली है दोस्तों वो आपको बहुत ही आसानी से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यश में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी बनने वाली है, पहले से आपकी आर्थिक स्थिति यश में सुधरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कार्यभार में आपको सफलता मिलेगी, धन की संभावना यश में आपको बहुत ही ज्यादा दिख रही है। जी दोस्तों, धन कमाने के कई सारे आपको रास्ते मिलेंगे, कई जगहों से आपको अचानक इस धन लाभ होगा,
जिनसे आपके जीवन काल में खुशियां ही खुशियां होंगी। आकस्मिक धन लाभ की अश्विनी प्राप्ति होने की संभावना दिख रही है। जी दोस्तों, अश्विनी कुछ जगहों से पेशे आने की संभावना बन रही है। शायद दोस्तों अगर आप किसी क्षेत्र में पेशा निवेश भी करना चाहते हैं तो दोस्तों अश्विनी आप ध्यान रखिएगा कि ये समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो दोस्तों सही समय का आपको बस इंतजार करना है। जी दोस्तों, साथ ही साथ सरकारी पक्ष से भी आपको कुछ धन लाभ होने की संभावना दिख रही है। कोर्ट के संबंधी जो भी आपके मामले हैं वे आपके पक्ष में होने वाली है। जी दोस्तों, अकादमिक धन लाभ की प्राप्ति भी आपको इसमें दिख रही है। जी दोस्तों, जैसे कि अगर आप किसी सरकारी सेवारत में कोई पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो दोस्तों वहां से आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकती है। यो कहें तो दोस्तों जो पैसा आप सोचे थे कि वो पैसा चला गया, वो पैसा वापस नहीं आएगा, वो पैसा आपको मिलेगा और यही पैसा आपको जीवन काल में सबसे ऊंचा बना देगा। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इसमें आपको उच्च पद मिल सकता है। अगर आप किसी कार्य में कार्यरत हैं तो दोस्तों इसमें आपको पदोन्नति मिल सकती है। आपके कार्यों की जो है सराहना भी होगी, बॉस आपका सम्मान करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपके समाज में आपका इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, समाज में आपका एक विशेष पहचान होगा। कि दोस्तों यशमी आपके जुनकाल में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं। एक प्रकार से कहें तो भगवान भोलेनाथ आप पर मेहरबान हुए हैं। जो ग्रहों की स्थिति है इनमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको अपने जुनकाल में जो भी आपके जूनियर के व्यक्ति हैं उनसे सहयोग मिलेगा और उनसे मिला सहयोग आपको बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि आपको दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले बताए हैं कि यशमी आपके अपने ही आपके लिए शत्रु बनने वाले हैं। तो दोस्तों अपने लोगों से आपको बस सावधान रहना है। हालांकि दोस्तों आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं। दोस्तों तीनों लोगों के मालिक भगवान भोलेनाथ हैं। जी दोस्तों, इनके आपके साथ होने से कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। यशमी आपको अपने जीवन काल में पत्नी और बच्चे के खिलाफ आपको भड़का सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ यशमी आपकी पत्नी और आपके बच्चे को भी आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है ताकि दोस्तों घर में किसी तरह का विघ्न बाधाएं हो, कलेश हो, आपसी मतभेद हो जिनसे घर टूट जाए और दोस्तों आपकी तरक्की को वो इनसे रोक सके। जी दोस्तों, ऐसे षड्यंत्र लोग आपके जीवनकाल में रचते रहते हैं। जी दोस्तों, और ये कोई पराये लोग नहीं होते हैं। दोस्तों ये आपके अपने ही लोग होते हैं जो अपने बनकर पीठ पीछे चूरा भोंकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी दोस्तों, घर में कोई ना कोई मुसीबत आ जाए तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको बस सावधान रहना है। ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखना होगा। और दोस्तों यहाँ तक कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान भी देना होगा। जो सामने आपका हितकारी होने का दिखावा करते हैं, आपके लिए अच्छी बनने का नाटक करते हैं और दोस्तों कहीं और जाकर आपकी बुराई कर रहे हैं। ये दोस्तों ऐसे लोगों को आपको बस उनसे दूर रहना है और उनसे आपको सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात हम आप सभी को बता दें कि कोई इंसान अगर चुगली करने वाला इंसान है, किसी और का बुराई आपके पास आकर कर रहा है तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, ये बात तो तय है कि आपके जाते ही आपका भी बुराई किसी और के पास करेगा। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि दोस्तों सत्य बात है, कड़वा है लेकिन दोस्तों ये सत्य है। अगर कोई इंसान आपके पास आकर किसी का जो है चुगली कर रहा है तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आपके जाते ही वो आपका भी चुगली किसी और के पास करेगा। दोस्तों वह तो ऐसा इंसान है जो सतर्क उनसे आपको बस रहना होगा। और दोस्तों अगली जो बातें हैं जिस पर आपको एक विशेष ध्यान देना होगा, दोस्तों यशमी आपके गांव समाज के जो भी लोग हैं आपको भड़काएंगे। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों एक दो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों यशमी गुप्त रूप से शत्रु तैयार हो रहा है, आपको नुकसान करना चाहता है, आपको किसी भी हद तक नुकसान करने के लिए वो जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि यश में आपके घर में इतना कलेश डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में घर के कोई भी बच्चे भी आपसे लड़ाई झगड़ा करके बाहर जा सकता है, कोई भी घटना हो सकता है, यहाँ तक कि आपके ऊपर भी बड़ी घटना करने का संकेत है। तो दोस्तों यश में आपको सूर्यास्त के बाद घर से कम ही निकलना बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, घर से आप ज्यादा बाहर नहीं निकले। साथ ही साथ दोस्तों यश में अज्ञात लोगों के साथ बैठना उठना आपको बंद करना है। जी दोस्तों, आपको किसी के भी पास अनजान लोगों के पास नहीं जाना है, किसी भी अज्ञात इंसान के जो है साथ खाना पीना आपको नहीं करना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, किसी भी अज्ञात के साथ आपको कहीं पर भी नहीं जाना है।
एक और बात हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो दोस्तों किसी को बताकर मत जाइए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों ये कार्य अगर आप किसी को बताएंगे तो दोस्तों वो कार्य आपका सफल नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह बात अपने घर तक ही आप सीमित रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। और दोस्तों एक दो बातें हम आपको यहाँ पर और बता दें जो कि आपको विशेष रूप से इन्हें ध्यान में रखना होगा। कभी भी अपने कमाई के बारे में किसी को आपको नहीं बताना है, ऐसा बताएंगे तो दोस्तों उनमें आपको मुसीबतें आ सकती है, दिक्कतें आ सकती है, लोग आपसे जलना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों लोग आपसे नहीं बल्कि आपके रुतबे, आपके पेशे, आपके रहन सहन और आपके दिखावे से जलते हैं। दोस्तों यश में आपको बस सावधान रहना है। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों लोगों की बुरी नज़र आपको लग जाती है, आपकी सफलताओं पर उनकी नज़र लगने से आपकी सफलताएँ रुक जाती है, काम में दिक्कतें आने लगती है, घर परिवार में झगड़े होने लगते हैं, बहुत सारी गृह क्लेश होने लगते हैं जिनसे आपको दोस्तों बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिनसे आप अपने आप को भी रोक नहीं पाते हैं, लड़ाई झगड़े में खुद को रोक नहीं पाते हैं, घर में समस्या आ ही जाता है। तो दोस्तों इन बातों का बस आपको ध्यान रखना है। शायद दोस्तों हम आप सभी को बता दें कुछ ऐसी सावधानियाँ आपको बरतनी है जिससे आपको भाग्य और जो है किस्मत का साथ मिले। दोस्तों यश में आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो औरत आपकी माँ हो, बहन हो, या फिर घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो, पति हो, प्रेमिका हो, या फिर पत्नी हो, प्रेमिका हो, या फिर दोस्तों समाज में कोई ऐसी स्त्रियाँ हो जो कि आपके लिए अच्छे स्वभाव रखती हैं। दोस्तों इन सभी का आपको जो है अपमान नहीं करना है, इससे आपके भाग्य खराब हो जाता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जिंदगी भर समस्या आती रहती है, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिलती है, रोजगार कारोबार में घाटा होती रहती है, तो कभी भी किसी कन्या को अपमान आपको वश नहीं करना है। तो दोस्तों औरत को हमारे घर में लक्ष्मी का रूप माना जाता है, हिंदू धर्म में औरत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मान है। जी हाँ दोस्तों, किसी औरत का अपमान नहीं करना है, किसी भी बेजुबान जानवर या फिर शिशु कोई भी हो दोस्तों उन्हें आपको नहीं मारना है, उन्हें परेशान नहीं करना है, किसी भी बच्चे के ऊपर आपको बेवजह की जो है परेशानी नहीं डालनी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक दो बातें का और विशेष ध्यान देना है कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पेशा उधार ना दें, इससे जीवन में एक से एक बढ़कर एक समस्या आती रहती है। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं और पेशे की दिक्कत भी इनसे आती रहती है, आर्थिक समस्याएं होती हो जाती है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगता है। दोस्तों अगर आपके रोजगार कारोबार में जो है किसी प्रकार की अड़चने आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबत आ रही है, तो दोस्तों उसके लिए आपको किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए, चूड़ी दान करना चाहिए, कुछ रुपये पेशों को भी आप दान कर सकते हैं। इनसे दोस्तों आपके जीवन काल में जो है परेशानियां नहीं आएंगी और रोजगार में जो दिक्कत आ रही है दोस्तों वो समाप्त हो जाएंगी, रोजगार आपको फिर से मिल जाएगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों घर में जो भी गृह क्लेश है, परेशानी आ रही है, उनके लिए आपको शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जो है जल मिलाकर शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है, तो दोस्तों जीवन काल की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, महादेव आपके कष्ट को हर लेंगे। जी दोस्तों, और जीवन में आपको सुकून मिलेगा। दोस्तों अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते में दिक्कतें आ रही, रिश्ते नहीं आ रहे या फिर आ भी रहे हैं तो दोस्तों अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, और कभी कभी रिश्ते अच्छे आते हैं तो वो रिश्ते तय नहीं हो पाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, तो दोस्तों इनके लिए आपको क्या करना है, आपको महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति की पूजा आपको करना है। जो भी फोटो है घर में है या फिर मंदिर भी आप जा सकते हैं, महादेव और पार्वती एक साथ के जो भी चित्र है उनको आपको पूजा करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको जल्दी ही अच्छे जीवन साथी आपको मिल जाएगी और दोस्तों विवाह में जो भी समस्याएं वो समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, और दोस्तों अगर आप एक अच्छी स्त्री हैं तो आपको 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। दोस्तों इससे जल्दी ही आपकी विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा शौहर आपको मिलेगा। तो दोस्तों यश में आपको अपने जीवन काल में शत्रुओं से सावधान रहना है और इन सारे उपायों को करना है, किस्मत आपके साथ देने वाले हैं, लाभ के सारे मौके आपके लिए बहुत ही प्रबल हैं, लाभ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेगा जो कि आपके घर परिवार को खुश कर देगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने जीवन काल में आप खुश रहें, मंगलमय रहें।